बांदा से इस वक्त बड़ी जानकारी आपकी। इफ्तार अंसारी को पुलिस बांदा से प्रयागराज लेकर रवाना हो चुकी है। दरअसल आपको बताएं कि हाईकोर्ट के आदेश पर बांदा पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को कर पुलिस फिलहाल रवाना हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुख्तार अंसारी की कोर्ट में आज पेशी होनी है और उसी को लेकर आज पुलिस रवाना हो चुकी है। इसी के दौरान ईडी कोर्ट के समक्ष रिमांड बढ़ाने को लेकर भी मांग की जा सकती है कोर्ट के समक्ष। तो ये बड़ी जानकारी, पुलिस मुख्तार अंसारी को बांदा से प्रयागराज लेकर रवाना हो चुकी है और हाईकोर्ट के आदेश पर बांदा पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है। ईडी कोर्ट के सामने रिमांड की भी मांग कर सकती है, ये भी बड़ी जानकारी लेकर सामने आ रही। इसी बीच सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर यहां सरा हुई है और पेशी के दौरान ईडी कोर्ट के सामने रिमांड की भी मांग कर सकती है। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी बांदा से आपको दे रही है, जहाँ पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हो चुकी है। कोर्ट के आदेश पर बांदा पुलिस प्रयागराज के लिए फिलहाल रवाना हो चुकी है और यहाँ पर हाई कोर्ट व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को लेकर रवाना हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार की कोर्ट में आज पेशी होनी है और बांदा से प्रयागराज के लिए रवाना पुलिस की टीम हो चुकी है मुख्तार अंसारी को लेकर। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ही प्रयागराज के लिए पुलिस रवाना हुई है मुख्तार अंसारी को लेकर। आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कोर्ट में मुख्तार की पेशी होनी है। लेकिन बड़ी जानकारी ये भी कि आज ईडी हाईकोर्ट के सामने रिमांड को बढ़ाने को लेकर भी कहीं ना कहीं मांग कर सकती है, यानी आने वाले समय में भी मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फिलहाल उन पर मामला दर्ज है और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज उनकी पेशी होनी है, सुनवाई होनी है कोर्ट में। जानकारी कि ईडी रिमांड को लेकर भी मांग कर सकती है इलाहाबाद हाईकोर्ट। जीशान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जीशान, क्योंकि पेशी ना कोर्ट में रिमांड की भी मांग कर सकती है ईडी, लेकिन फिलहाल अब क्योंकि प्रयागराज के लिए रवाना हो चुकी है, सुरक्षा के क्या इंतजाम है? मनीषा, आपको बता दूं कि मुख्तार अंसारी का यहाँ पे सवेरे तकरीबन 5:45 पे यहाँ से पुलिस लेके निकली है, एम्बुलेंस भी साथ है और इसके अलावा सुरक्षा के भारी इंतजाम है। रात से ही बराबर डॉक्टरों की टीम भी जेल आ जा रही थी और उसका जो चिकित्सीय जितना परीक्षण था वो सब पूरा सिस्टमेटिक ढंग से यहाँ से पुलिस लेके गई। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम है, कई सब इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर हैं, सीओ भी साथ हैं और ये हाईकोर्ट जाने के बाद वहां से देखिए शाम तक वापसी का इनका है। लेकिन साथ में जो सुनने में आ रहा है, जैसी सूत्र बता रहे हैं कि ईडी इनको रिमांड पे ले सकती है मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामले पे। अब इसमें देखिए आगे चलेगा जी। यानी जीशान, कुल मिलाकर ये भी माना जा सकता है कि आने वाले समय में भी मुख्तार अंसारी की जो मुश्किलें हैं वो कम होने का नाम नहीं लेती नजर आ रही। जिस तरह से जांच एजेंसियां बराबर नए नए मामले निकल रहे हैं मुख्तार अंसारी और उनकी फैमिली से जुड़े हुए, चाहे वो संपत्ति के विवाद हों या मनी लॉन्ड्रिंग के मामले हों, इसके अलावा और भी तमाम मामले जिस तरह से निकल रहे हैं तो केस घटने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्तार अंसारी और उनके पूरे परिवार की कहीं से मुश्किलें वो कम होती नहीं दिखाई दे रही हैं। जी मनीषा, लेकिन क्या समय माना जाए, कितने बजे के आसपास जो है प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएगी या फिर प्रयागराज कोर्ट तक पहुंचेगी पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर, क्या समय निर्धारित? देखिए मनीषा, यहाँ से 5 बजे पुलिस लेके निकली है और यहाँ से प्रयागराज पहुँचने में तकरीबन 4 से 5 घंटे लगते हैं, तो 10-11 के दरमियान कोर्ट तक जाने की पूरी संभावना है, इनको पुलिस लेके पहुँच सकती है जी। लेकिन इसी बीच सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं जीशान? मनीषा, मुख्तार अंसारी को लेके पुलिस पूरी तरह से चौकस रहती है, जिला प्रशासन के कोई भी कोर कसर नहीं उठा रखता है। यहाँ तक कि इतने गोपनीय तरीके से लेके जाया जाता है कि रात भर यहाँ पे हम लोग रात भर यहाँ पे ड्यूटी देते रहे, तब जाके वो विजुअल एक पा पाए हैं जिसमें वो गाड़ी निकलती हुई दिखाई दी है। लेकिन रात भर बाकायदा डॉक्टरों की टीम से चेकअप और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही यहाँ पे जिला प्रशासन लेके गया है और किसी भी तरह की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। जी मनीषा, जीशान अपनी नजर इस पर लगातार बनाकर रखिएगा। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।